देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। खंडेलवाल स्मार्ट लेडी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित की जा रही श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत गणेश जन्मोत्सव मनाया गया। विशेष बात यह है कि आज श्रावण मास की गणेश चतुर्थी भी थी, जिससे प्रसंग की अपनी एक अलग प्रासंगिकता रही। कथावाचक डॉक्टर स्वामी श्री कृष्ण शरण महाराज के वाचन शैली को इंदौर की जनता द्वारा बहुत ही पसंद किया जा रहा है। आज गुरुजी ने समर्पण की व्याख्या करते हुए कहा कि समर्पण समग्र होता है, यदि आधा अधूरा है तो वह समर्पण हो ही नहीं सकता। सफल जीवन के लिए समर्पण का मर्म जानने की आवश्यकता है। कथा में गणेश जन्मोत्सव का सचिव चित्रण किया गया, जिसमें शिव पार्वती के बालक गणेश के साथ प्रकट हुए। तत्पश्चात गणेश प्रसंग में ही गणेश व रिद्धि सिद्धि का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर सभी श्रद्धालु खुशी से झूम उठे। गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया गया। श्री गणेश जन्मोत्सव प्रसंग से पूरा गीता भवन सभागृह आनंदित हो उठा। संस्था की अध्यक्ष रश्मि गुप्ता ने बताया कि प्रतिदिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कथा वाचक के कौशल का प्रमाण है। हम इंदौर की जनता को कथा श्रवण का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अध्यक्ष रश्मि ने बताया कि कल एक अलौकिक प्रस्तुतिकरण एकादश रुद्रावतार होगा। आज सचिव शीला गुप्ता, सुनीता गुप्ता, सीमा वैद्य ने सभी का स्वागत किया तथा श्रद्धा पुनीत काठ, रश्मि शीरेंद्र गुप्ता, राधा सुनील खंडेलवाल व मेरा संजय खंडेलवाल के द्वारा शिव का महारुद्राभिषेक किया गया। शिव महापुराण जो कि 4 जुलाई से प्रारंभ हुई है, उसका आज तीसरा दिवस है। उससे पहले दिन शिव प्राकट्योत्सव हुआ, कल यात्रा हुई, कल दूसरे दिवस शिव पार्वती विवाह का प्रसंग था और आज जो है वो कार्तिकेय का जन्म, श्री गणेश जी का जन्म किस तरह से हुआ उसका पूरा प्रसंग यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसका इतना गूढ़ रहस्य है जो हमें यहाँ पर आज प्राप्त हो रहा है। और गणपति के जन्म का शिव तत्व से किस तरह से वो पदार्पण हुआ है, किस तरह से आए हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित की जा रही है। जितने भी श्रोतागण हैं सभी मंत्रमुग्ध हैं, क्योंकि उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन को प्रबंधित करने में और जोड़ने में सहायक। भारी बारिश के बाद भी यहाँ पर काफी संख्या में श्रोता उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे, बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित हैं बारिश के बाद। जब आप प्रभु से जुड़ना चाहते हैं
तो बारिश उसमें कभी भी बाधक नहीं बन सकती। यहाँ पर आज श्रोताओं ने ये प्रूव कर दिया है कि हम अगर जुड़ना चाहते हैं, हमें यदि शिव तत्व को समझना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जीवन में उतारना चाहते हैं, तो बारिश जैसी छोटी मोटी मुश्किलें आपदाएं बनकर नहीं आती।